अच्छी खबर में हम ऐसी खबरें उठाएंगे जिनका सीधा रिश्ता आपसे, आपकी सेहत से और आपकी जिंदगी से है, जैसे कि पराली। इस वक्त दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है, तो क्या करें, कैसे निपटे पराली के इस धुएं से। आज बात एक क्रांतिकारी हल की, जिससे पराली से निकलने वाला धुआं 98% तक कम हो जाता है। इस तकनीक को लेकर आए हैं दिल्ली के विद्युत मोहन, और इस तकनीक ने जीता है पर्यावरण का ऑस्कर कहे जाने वाला अर्थ शॉट सम्मान। तो क्या है ये तकनीक और कैसे किसान इससे फायदा उठा सकते हैं, आइए देखते हैं। इस धुएं से हर साल दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों का दम घुटता है। लोग परेशान हो पूछते हैं इसका हल क्या है। इसका हल मिल गया है। My name is Vidyut and I'm the co-founder and CEO of Takachar. I grew up in the city of Delhi, where every winter the city is enveloped in a thick blanket of smog, which is partly contributed by the open burning of waste agricultural residues. The health of all the residents as well as my friends and family is affected severely by this air pollution. Vidyut Mohan ki company Takachar ne ek technique ijaad ki hai, jisme parali samet anya tarah ke agriculture waste ko सॉलिड फ्यूल और खाद में बदला जा सकता है, जिससे धुएं का एमिशन 98% तक कम हो सकता है। इसका मकसद हवा को साफ रखना है। इस तकनीक को अर्थ शॉट सम्मान से भी नवाजा गया है। टू द विनर विद्युत मोहन फ्रॉम इंडिया। टकाचर की बनाई तकनीक किसानों के लिए सोने पर सुहागा जैसे है। कंपनी के मुताबिक किसानों की आमदनी में इस तकनीक से 40% तक का उछाल आ सकता है। एक तो उन्हें पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा वो इससे कमाई कर सकते हैं। इस तकनीक के तहत पराली, कोकोनट शेल्स जैसे वेस्ट और बायोमास को कार्बन रिच मटेरियल में बदल दिया जाता है, जो ईंधन या खाद के तौर पर बाजार में बिक सकता है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया भर में $120 अरब का खेती से जुड़ा वेस्ट पैदा होता है, जिसकी उपयोगिता न होने के चलते किसान अक्सर इसे जला देते हैं, और खामियाजा हम सब जहरीले धुएं और प्रदूषण के तौर पर भुगतते हैं। पराली का ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान है। ये तकनीक क्लाइमेट चेंज के खिलाफ चल रही मुहिम के सिलसिले में एक अच्छी खबर है।